Today we are going to discuss about assessment of breast and axilla. Axilla and breast को हम assess करते हैं. So the female breast lies against the anterior thoracic wall. ठीक है जी, जो anterior thoracic wall है, posterior है कि anterior, यानी अगले side पे, extended from the clavicle. ये जो clavicle bone होता है ऊपर, ठीक है जी, यहाँ से extend होता है, and second rib down to the sixth rib. जो सिक्स रिप तक ये होता है, एंड फ्रॉम द स्टर्नम अक्रॉस टू द मिड एक्सिलरी लाइन. मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ पर होता है, ठीक है जी, तीन लाइन है. सो ये मिड एक्सिलरी लाइन तक ये यहाँ तक होता है जी, ठीक है जी. ये फिर चेस्ट वॉल के साथ ये आप देख रहे हो, इसमें लिगामेंट्स भी होते हैं, पिक्टोरल मसल्स यहाँ पर होते हैं, लव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जाके ये डक्ट में जाके फिर रिलीज करते हैं. डक्ट्स है ये, ठीक है जी. ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रिब्स है, ये टिश्यूज़ आपको नज़र आता है, फीटे फैटी टिश्यूज़, ठीक है. सो द फीमेल ब्रेस्ट लाइज अगेंस्ट द इंटीरियर थोरेसिक वॉल, एक्सटेंडेड फ्रॉम द क्लेविकल सेकंड रिब डाउन टू सिक्स रिब, एंड फ्रॉम द स्टर्नम अक्रॉस टू द मिड एक्सिलरी लाइन. सो इट्स सरफेस एरिया इज जनरली रेक्टेंगुलर रादर देन राउंड. चूँकि ये थोड़ा सरफेस एरिया इसका रेक्टेंगुलर आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है जी, रादर देन राउंड. क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्सिलरी वेन है, यहाँ पर एक्सिला में आर्मपिट, इसको एक्सिला कहते हैं, ये वाला जो एरिया है, ठीक है. ये सबक्लेवियन वेन यहाँ पर आपको पता है, फिर यहाँ पर ऊपर से यहाँ ब्लड लेके आता है, एंड पेक्टोरलिस मेजर, ये जो मसल आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं. एंड देन एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये जो आपको नज़र आते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ये छोटे छोटे, ये नॉर्मल पेशेंट में या नॉर्मल बंदे में आप आसानी के साथ पल्पेट नहीं कर सकते हो. जब ये स्वेल होते हैं या यहाँ पर लम्स वगैरह बनते हैं तो बाद में ये पल्पेट होता है, इसको फिर हम एबनॉर्मल फाइंडिंग में डालते हैं. एंड लेटरल थोरेसिक वेन ये आ रहा है, ये फेट से आपको जो येलो येलो नज़र आता है, एंड सेराटस इंटीरियर, यहाँ पर एक और मसल है, ठीक है जी, ये वाला जो मसल है सेराटस इंटीरियर, एंड मेमरी ग्लैंड लैब्यूल्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है मेमरी ग्लैंड लैब्यूल्स, एंड ऑफ कोर्स ये पेयर निपल एंड एरियोला, इसको आगे जाके और भी हम एक्सप्लेन करते हैं. फीमेल ब्रेस्ट इसके मेन जो फोर क्वाड्रेंट्स है, आप इस तरह जो है अगर लाइन इस तरह खींचते हो, ठीक है, बिल्कुल निपल के ये जो इसका रेडियस होगा सेंटर, ठीक है जी. सो ये जो ऊपर ये वाला एरिया जाता है यहाँ, इसको टेल अप स्पेंस कहते हैं. ये पर ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला एरिया, इसको अपर आउटर, क्योंकि ये आउटसाइड पे है ना, सो इसको अपर आउटर क्वाड्रेंट कहते हैं. ये जो अपर साइड पे है इसको अपर इनर क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, एंड ये फिर लोअर आउटर क्वाड्रेंट, नीचे ये वाला, एंड ये वाला फिर है लोअर इनर क्वाड्रेंट, ठीक है. सो ये ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट है. सो क्वाड्रेंट ये हम फिर हर एक क्वाड्रेंट को देखते हैं जब हम पल्पेट करते हैं. टू डिस्क्राइब क्लिनिकल फाइंडिंग, द ब्रेस्ट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू फोर क्वाड्रेंट बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्रॉसिंग एट द निपल. एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन, ये हम खींचते हैं इस तरह, ठीक है जी, एंड ये फोर क्वाड्रेंट बनते हैं जी. सो अ फिफ्थ एरिया, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एन एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू समटाइम टर्म द टेल ऑफ द स्पिन्स एक्सटेंड लेटरली अक्रॉस द इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड. लेटरली का मतलब ये बाहर की तरफ यहाँ पर इस तरह जाती है, ठीक है जी. सो अल्टरनेटिवली फाइंडिंग कैन बी लोकलाइज्ड एज द टाइम ऑफ फेस ऑफ क्लॉक, फॉर एग्जाम्पल 3 o'clock एंड द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर फ्राम द निपल. यानी 3 o'clock का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो ब्रेस्ट का एरिया और यहाँ तक, ठीक है जी, ये वाला एरिया है, या यहाँ से या यहाँ से और या यहाँ से. बाद में हमें फिर पता चलेगा कि कहाँ पे मसला है, ठीक है, या नॉर्मल फाइंडिंग आता है इससे. सो ये फोर क्वाड्रेंट हो गए ब्रेस्ट के. अच्छा जी, इसका एनाटॉमी जो ब्रेस्ट का नॉर्मल अगर है, सो मसल्स होते हैं इसमें, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेराटस मसल्स भी होते हैं, ठीक है, एंड लेगामेंट्स होते हैं यहाँ पर, सस्पेंसरी लेगामेंट्स जो कि एक दो जोड़ते रहते हैं चीज़ों को यहाँ पे,
ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं, फैट टिश्यूज़ होते हैं यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है, फैट टिश्यूज़, ये सब क्यूटिनियस फैट्स है, ये जो सब येलो येलो आपको नज़र आता है, एंड लिम्फेटिक टिश्यूज़, वहाँ से लिम्फ जो है, ठीक है जी, ऊपर यहाँ से लिम्फेटिक टिश्यूज़ यहाँ पर लिम्फ लेके आता है जी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रिब्स है, एंड ये पेक्टोरल मसल है, ठीक है जी, ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ब्रेस्ट एनाटॉमी है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ है ये जो आपको ग्लैंड नज़र आते हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है जी, ये सब, एंड ये पर यहाँ पर आके डक्ट में, फिर निपल, ठीक है जी। सो ये जनरल इसका एक एनाटॉमी है ना, कि ब्रेस्ट जो है मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, फैटी टिश्यूज़ एंड लिम्फेटिक टिश्यूज़। अच्छा जी, सो द ब्रेस्ट इज़ हार्मोनली सेंसिटिव टिश्यू, चूँकि रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस मंथली साइकिल इन एजिंग, मंथली जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल का, उसके साथ ये चेंज होते हैं, एंड एजिंग के साथ भी जितना भी एज बढ़ता जाता है, सो इसमें जो है लूजनेस आता है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। सो ग्लैंडुलर टिश्यू नेमली सिक्रेटरी ट्यूबो एल्वियोलर ग्लैंड्स एंड डक्ट्स फॉर्म 15 to 20 सेप्टल लोब्स, यहाँ पर लोब्स बनाते हैं, ठीक है जी, रेडिएटिंग अराउंड द निपल्स, ये निपल्स के इर्द गिर्द होते हैं, विच विद इन ईच लोब आर मेनी स्मॉल लब्यूल्स, ये लब्यूल इसमें फिर छोटे छोटे लब्यूल्स होते हैं अंदर, ठीक है जी, एंड दिस ड्रेन इन टू मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट एंड साइनसिस दैट ओपन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द एरियूला एंड द निपल, यानी ये जो ग्लैंड है ये जाके फिर मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट जो है इसकी तरफ ड्रेन होते हैं, ठीक है जी, एंड फिर फाइनली निपल के ज़रिए जो मिल्क वगैरह है वो बाहर जाते हैं जी। अच्छा जी, अब हेल्थ हिस्ट्री, हम पेशेंट आ गया है तो हम मेन जो हमारा कंसर्न होता है ब्रेस्ट, और आपको पता है आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है फीमेल में, एंड प्रीवियस डेज में इसका एक डे भी मनाया गया था अगर आपको याद हो तो। सो कॉमन कंसर्निंग सिम्टम्स क्या होता है कि ब्रेस्ट लंप आर मास, यानी ब्रेस्ट में इस तरह लंप होता है ये जो आपको नज़र आ रहा है, या मास होता है, ठीक है जी, यानी कुछ नोड्यूल्स होते हैं, एंड ब्रेस्ट पेन आर डिसकम्फर्ट, यानी सम टाइम ब्रेस्ट में पेन होता है, पेशेंट कंप्लेंट करता है या डिस्कम्फर्ट होता है, निपल डिस्चार्ज होता है इस तरह के, निपल से पस लाइक डिस्चार्ज भी होता है, वाटर डिस्चार्ज भी होता है, सम टाइम ब्लड डिस्चार्ज भी होता है, इससे हमें पता चलता है कि अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है जी। सो ये सारे चीज़ें हेल्थ हिस्ट्री के साथ हमें पता चलेगा। अब सब्जेक्टिव डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, सो हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट डिजीज सर्जरी, सबसे पहले तो हम पूछते हैं पेशेंट से कि कुछ ब्रेस्ट डिजीज़ इससे पहले पेशेंट को था या नहीं था डिजीज़, या सर्जरी वगैरह तो नहीं की है पेशेंट ने, मास्टेक्टोमी यानी जो ब्रेस्ट रिमूवल, ठीक है जी, या एक ब्रेस्ट रिमूवल या बायलेटरल दोनों, लम्ब्स आर थिकनिंग, ये हम सब्जेक्ट डेटा में पेशेंट से पूछते हैं कि आपको तो इस तरह लम्ब्स नज़र नहीं आता, क्योंकि बाद ये जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है ये हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी सिखाते हैं, पेशेंट को टीच भी हम करते हैं कि वो अपना जो फीमेल है ब्रेस्ट खुद भी एग्जामिन करे, अगर इसको इस तरह उंगलियों के नीचे कुछ नड्यूल्स या इस तरह के लम्ब्स वगैरह महसूस हो जाए तो फिर कंसल्ट करे डॉक्टर को। सो लम्ब्स आर थिकनिंग, ये हम पेशेंट से पूछते हैं कि पहले से जो है नॉर्मल था, इसके बाद आपको लम्ब्स वगैरह महसूस हुआ है, या कुछ थिकनिंग सख्त हो गया है कि नहीं, ये डिस्चार्ज तो नहीं होता है इससे ब्रेस्ट से, रैश वगैरह तो नहीं है, स्वेलिंग एंड ट्रामा, या ब्रेस्ट आपका स्वेल तो नहीं हुआ है, ट्रामा तो नहीं है, पेन के बारे में हम पेशेंट से पूछते हैं, एंड हम पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि डज पेशेंट परफॉर्म ये जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ बी, ठीक है जी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथली, खुद पेशेंट अपना ब्रेस्ट जो एग्जामिन करता है कि नहीं, और डेट ऑफ लास्ट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम, ये जो लास्ट ब्रेस्ट एग्जाम था तो इसने कब जो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया था हॉस्पिटल आके, ठीक है जी, एंड डेट ऑफ लास्ट मेमोग्राम, कब लास्ट टाइम इसने मेमोग्राम किया था, करवाया था, एक्जिलरी टेंडरनेस तो नहीं है एक्जिला में, लम्ब्स वगैरह, स्वेलिंग एंड रैश, ये हम पेशेंट से पूछते हैं, सब्जेक्टिव डेटा ऑलरेडी आपको पता है कि सब्जेक्टिव डेटा में हम पेशेंट से पूछते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर असेसिंग ब्रेस्ट कैंसर रिस्क,
कि बेस्ट कैंसर रिस्क तो नहीं है। सो एग्जामिनर मस्ट आस्क फोकस्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग रिस्क फैक्टर, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, आपके फैमिली में से पहले किसी को कोई ब्रेस्ट का मसला तो नहीं था, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के बारे में पूछते हैं, ठीक है जी। एस्ट्रोजन एक्सपोजर, ठीक है, एस्ट्रोजन एक्सपोजर के बारे में हम पूछते हैं कि एज आंसेट ऑफ मेंसिस, कितने एज में जो है मेंसिस हो गया था, ताकि हम ये भी मालूम कर सकें कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी ज़्यादा और कम होने से मसले बनते हैं। एज ऑफ मेनोपॉज, ठीक है जी, या कौन से एज में जाके मेनोपॉज जो था, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो स्टॉप हो गया था, ठीक है। सो ये हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, फिर हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, पेशेंट का। फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ एचआरटी, यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट, या खासकर ये जो कंट्रासेप्टिव वगैरह लेते हैं ताकि बच्चे पैदा ना हो, इस तरह के मेडिसिन, ठीक है जी, तो उससे भी मसले बनते हैं। पर्सनल हैबिट्स पेशेंट के हम पूछते हैं कि अल्कोहल तो नहीं पीती है पेशेंट, डाइटरी फैट वगैरह तो ज़्यादा नहीं लेती, एड एक्सरसाइज करती है पेशेंट कि नहीं करती है, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से पूछते हैं और इससे हमें पता चलता है कि रिस्क है पेशेंट को कि नहीं है। अच्छा जी, अब जो असेसमेंट टेक्निक है ब्रेस्ट एंड एक्सेला एग्जामिनेशन में, असेसमेंट में, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो टेक्निक यूज़ होते हैं, ठीक है जी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के मुताबिक। हम इंस्पेक्शन करते हैं, यानी देखते हैं ब्रेस्ट को कि इसका कलर क्या है, कुछ विजिबल डिस्चार्ज तो नहीं है, सिमेट्री ठीक है कि नहीं है, ठीक है जी, कुछ विजिबल लम्स मांस वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा है, एंड पल्पेशन करते हैं, ठीक है जी, पल्पेट करते हैं बस। आस्कल्टेशन और परकशन ये यहाँ पर नहीं होता ब्रेस्ट एंड एक्सिला में। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिव डाटा पे जब हम आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव डाटा में हम इंस्पेक्शन करते हैं सबसे पहले। इंस्पेक्शन में हम देखते हैं कि पेशेंट सेटिंग डिजर्व टू वेस्ट, यानी पेशेंट इस तरह बैठता है, ठीक है जी, और नोट सिमेट्री, आप ऑब्जेक्टिव डाटा में सिमेट्री नोट करते हो कि एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से साइज़ में कम तो नहीं है, ठीक है जी, हम ये देखते हैं कि साइज़ में एक जैसा है कि नहीं, एंड शेप में एक जैसा है कि नहीं, दोनों स्किन नॉर्मली स्मूथ एंड इवन इन कलर, स्मूथ स्किन होता है एंड इवन इन कलर होता है, दोनों ब्रेस्ट का जो कलर है वो सेम होता है। ऑब्जर्व द एक्सिलरी एंड सुप्रा क्लेविकुलर एरियाज फॉर एनी बल्जिंग डिसकलरेशन आर एडिमा, बल्जिंग यानी बाहर की तरफ कोई चीज़ जब वो निकलता है, ठीक है जी। सो हम एक्सिलरी एरिया है, सुप्रा क्लेविकुलर यानी क्लेविकल बोन के ऊपर ये जो एरिया है, इसमें बल्जिंग भी देखते हैं, डिसकलरेशन भी देखते हैं, एडिमा भी देखते हैं कि ये मसले तो नहीं है। देन निपल्स हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल है दोनों निपल्स, फ्लैट है या इन्वर्टेड है, अंदर की तरफ गए हैं, नीचे स्लाइड में है, या डिस्चार्ज होता है निपल से, या ब्लीडिंग निपल से निकल रहा है। सो निपल्स के मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें है, ठीक है जी, कि सिमेट्रिकल है, फ्लैट या इन्वर्टेड है, या डिस्चार्ज होता है, या ब्लीडिंग होता है इससे, तो ये सारी चीज़ें हम असेसमेंट करते हैं बस। इसमें सिर्फ इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन है, इतना कुछ नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम स्क्रीन फॉर रिट्रैक्शन करते हैं, यानी रिट्रैक्शन हम करते हैं कि यहाँ से हमें सही पता चलेगा कि नॉर्मल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल व्हाइल पेशेंट इज सेटिंग, आस्क पेशेंट टू लिफ्ट आर्म स्लोली अबाउ हिट एंड बोथ द ब्रेस्ट शुड मूव अप सिमेट्रिकली, यानी पेशेंट से हम पूछते हैं कि दोनों हाथ जो है इस तरह ऊपर कर ले, ठीक है जी, सो दोनों जो ब्रेस्ट है वो सिमेट्रिकली ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इससे फिर हम सिमेट्री मालूम कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिकली है कि नहीं है, या एक ब्रेस्ट ऊपर है दूसरा नीचे है, या एक साइज़ में कम है एक साइज़ में ज़्यादा है। पुश हैंड इन टू हिप, फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने दोनों हाथ अपने जो हिप पर रखे, फिर हम सिमेट्री देखते हैं, एंड देन लीन फॉरवर्ड, इस तरह आगे की तरफ पेशेंट को हम देख के हो जाए, ताकि ये दोनों जो है इसको इस पोजिशन में भी हम असेस करें, ठीक है, कि सिमेट्री एक जैसा है कि नहीं, साइज़ में एक जैसा है कि नहीं, एंड ऑफ कोर्स कलर भी हम देखते हैं कि सेम कलर भी है कि नहीं। सो इसमें हम ब्रेस्ट के साइज़, शेप और निपल, ये सारी चीज़ें इस तरह रिट्रैक्शन से भी हमें आसानी के साथ हम चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इंस्पेक्ट एंड पल्पेट एक्सिले, अब एक्सिला ये एक्सिला है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सो व्हाइल पेशेंट इज सेटिंग, लिफ्ट एंड सपोर्ट द आर्म सो पेशेंट मसल्स आर रिलैक्स्ड,
सो यूज़ द राइट हैंड टू पल्पेट लेफ्ट एक्जिला, जो लेफ्ट एक्जिला आप पल्पेट करते हो तो अपना राइट हैंड का यूज़ करो, रीच फिंगर हाई इन टू एक्जिला, एक्जिला में इस तरह अंदर आप पल्पेट करते हैं, ठीक है जी। सो नॉर्मल जो यहाँ पर लिम्फ नोड है वो आपको पल्पेट नहीं होगा। सो मूव फिंगर फर्मली डाउन इन फोर डायरेक्शन, यानी आप फोर डायरेक्शन में जो आपने उंगली है इसको मूव करते हो, डाउन द चेस्ट वॉल एलॉन्ग द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्जिला, ये इंटीरियर बॉर्डर है और यहाँ पर पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड अराउंड द इनर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, ये जो इनर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म है यहाँ तक ये जगह हम पल्पेट करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें दो, ये जो एक्जिला एंड ब्रेस्ट। देन मूव आर्म थ्रो रेंज ऑफ मोशन टू हैव एक्सेस टू एरियाज, डिफरेंट एरियाज तक आप एक्सेस हासिल कर सकते हो, और यहाँ पर आप देखते हो कि कोई नोड तो नहीं है, लम्प तो नहीं है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें आप देखते हो यहाँ पे। देन आप ब्रेस्ट पल्पेशन जब करते हो, सोपाइन पोजीशन, आप पेशेंट को आप सोपाइन पोजीशन पे डालते हो, यानी पेशेंट जो है सोपाइन पोजीशन पे होता है, एंड देन विथ स्मॉल पैड और पिलो अंडर साइड टू बी पल्पेटेड, जो पेशेंट से एक थोड़ा स्मॉल पिलो या पैड वगैरह आप नीचे रखते हो, आर्म रेस्ड ओवर हेड, हाथ जो है ठीक है वो ऊपर करते हैं पेशेंट, एंड यूज़ पैड्स ऑफ फिंगर एंड मेक जेंटल रोटेटरी मोटर ऑन ब्रेस्ट, इस तरह आप क्लॉक वाइज रोटेटरी मोटर मोशन करेंगे, ठीक है जी, अपने हाथ से हल्का हल्का, ताकि आपको लंप वगैरह या भी जो भी चीज़ हो वो महसूस हो, या विच पैटर्न, इस तरह इस पैटर्न में भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये जो पैटर्न दिया है। सो यूज़ अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल आर लेटरली लाइक स्पोक ऑफ व्हील्स, इस तरह ये जो स्पोक ऑफ व्हील है, ठीक है जी। सो ये क्लॉक पैटर्न है एंड ये वेज पैटर्न है, और इस पैटर्न के हिसाब से आप असिस करते हो, यानी पल्पेट करते हो ब्रेस्ट को। पल्पेट ऑल एरियाज ऑफ ब्रेस्ट क्लॉक वाइज फैशन, क्लॉक वाइज फैशन में आप जो है इसको पल्पेट करते हो जी, यानी इस तरह इस डायरेक्शन में क्लॉक वाइज। बाय मैनुअल ब्रेस्ट पल्पेशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट सेटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड, पेशेंट बैठा होता है एंड लीन फॉरवर्ड होता है, एंड सपोर्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट विद वन हैंड, एक हाथ के साथ आप जो इंफीरियर पार्ट है इसको सपोर्ट करते हो, यूज़ अदर हैंड टू पल्पेट ब्रेस्ट टिश्यू अगेंस्ट सपोर्टिंग हैंड, और दूसरे हाथ से आप इसको पल्पेट करते हो। सो अगर कोई लंप वगैरह है या कोई मास वगैरह है आप यहाँ पर पल्पेट कर सकते हो, असिस्ट कर सकते हो, और अपने फाइंडिंग में फिर इसको आप लिखते हो जी। अच्छा जी, निपल का जो एग्जामिनेशन है, सो परफॉर्म आफ्टर ब्रेस्ट पल्पेशन, जब ब्रेस्ट पल्पेशन होता है तो तरतीब ये है कि पहले ब्रेस्ट पल्पेशन होगा, इसके बाद जो है निपल की पल्पेशन होगी। सो पल्पेट निपल नोटिंग एनी इंड्यूरेशन आर मास, एनी इंड्यूरेशन भी यही है कि मतलब यहाँ पर कोई मास तो नहीं है, कोई फाइबर वगैरह तो नहीं बना हुआ है, ठीक है जी, तो आप पल्पेट करते हो इसको। यूज़ थंब एंड फोर फिंगर टू अप्लाई जेंटल प्रेशर टू नोट एनी डिस्चार्ज, फिर हम डिस्चार्ज भी देखते हैं कि कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं होता है निपल से। अच्छा जी, इसके बाद लंप्स असेसमेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि लंप असेसमेंट में हम क्या क्या देखते हैं। सो लंप असेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में है कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में है। इसके बाद यूज़ ब्रेस्ट एज क्लॉक फेस टू डिस्क्राइब डिस्टेंस फ्रॉम निपल इन सेंटीमीटर, यूज़ डायग्राम टू लोकेट, देन साइज इन सेंटीमीटर, यानी कितने सेंटीमीटर तक आप लंप है तो कितने सेंटीमीटर तक है, शेप क्या है इसका, इस तरह है लंप या बिल्कुल राउंड है, ठीक है जी, या इररेगुलर शेप है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, ठीक है, मोएबल है कि नहीं, या जब आप उंगलियों में इसको आप पकड़ते हो तो मूव होता है कि नहीं, एंड देन टेंडरनेस आप देखते हो कि सख्त है नरम है ये जो लंप है, ठीक है जी। सो लंप में हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, आप सबसे पहले तो लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे है, फिर इसके बाद साइज़ देखते हैं कि कितने साइज़ है, शेप कैसा है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, यानी हार्ड है सॉफ्ट है, तो अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट रहता है कि नहीं, मोएबल है एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह, एंड टेंडरनेस इसमें, ठीक है जी। टेंडरनेस का मतलब जब आप हाथ रखते हो तो दर्द करता है, ठीक है जी। सो
ये आप ब्रेस्ट लम्प को इस तरह असेस करते हैं जी। इसके बाद बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ एंड मलिग्नेंट ब्रेस्ट डिजीज़ या कैंसर, ठीक है जी। इसमें आप इस तरह डिफरेंस निकालते हो कि जब आप लम्प वगैरह देखते हो ब्रेस्ट में, और मल्टीपल या सिंगल लम्प होता है, ठीक है जी। लेकिन कैंसर में यूनिलेटरल होता है, यानी यहाँ पर बाइलेटरल ज़्यादातर होते हैं, मल्टीपल होते हैं, यहाँ पर यूनिलेटरल एक साइड पे। ये रबरी टेक्सचर देते हैं, यानी रबर टाइप जैसे, ये जो बिनाइन होता है नॉन कैंसर। और जो कैंसर ट्यूमर वगैरह लम्प वगैरह होते हैं वो फर्म होता है, यानी सॉलिड, ठीक है जी। सॉलिड टेक्सचर इसका होता है, सॉलिड होता है, सख्त होता है। और जो बिनाइन है यानी नॉन कैंसरस, वो मोबाइल होता है, स्लिपरी। जैसे आप इसको पकड़ते हो तो वो उंगलियों से वो पिर निकलता है जी। लेकिन ये फिक्स्ड एंड फर्मली, आप जैसे ही पकड़ते हो तो आपके उंगली के दरमियान ही रहता है। रेगुलर बॉर्डर्स, ठीक है जी, यानी इसके कुछ इस तरह रेगुलर बॉर्डर्स होंगे, लेकिन इसके बॉर्डर इररेगुलर होंगे। इस तरह आपको कुछ अजीब सा लम्प महसूस होगा जब आप पल्पेट करेंगे। इसमें टेंडरनेस होता है, ठीक है जी। यानी जब आप इस पे उंगली रखते हो नॉन कैंसरस पे तो दर्द करता है, लेकिन जो कैंसरस है इस पर जब आप उंगली रखते हो तो दर्द नहीं करता है। सो ये यूजुअली पेनलेस होता है, ठीक है। नो रिट्रैक्शन यहाँ पर, ठीक है जी। एंड इसमें यूजुअली रिट्रैक्शन, यानी जब आप रिट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पर सिमेट्री और इन चीज़ों में चेंजेस आएंगे। मे इंक्रीज डिक्रीज इन साइज रैपिडली, ठीक है। साइज में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ये फिर डिक्रीज नहीं होता। कैंसरस जो होता है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा, फिर इस तरह और बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। ये बड़ा होता है, फिर छोटा भी होता है, फिर भी बड़ा होता है, फिर जाके छोटा होता है। सो ये अल्टरनेट होता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली जो है ग्रोथ करता है। सो ये डिफरेंस है ए कैंसरस एंड नॉन कैंसरस ब्रेस्ट लम्प में। अच्छा जी, अब पेशेंट को हम सिखाते हैं टीचिंग जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, कि वो अपना ब्रेस्ट खुद किस तरह एग्जामिन करे। सो इसमें असिस्ट पेशेंट टू एस्टेब्लिश स्केजुअल, पेशेंट को आप हेल्प करते हैं हम कि वो इसके लिए स्केजुअल बनाए, रेगुलर मंथली एग्जाम हो पेशेंट का। मेजॉरिटी ऑफ वीमेन नेवर गेट ब्रेस्ट कैंसर, मेजॉरिटी ऑफ लम्स आर बिनाइन, ठीक है जी। सो मेजॉरिटी जो है वो बिनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन कम जो है वो कैंसरस होते हैं। सो अर्ली डिटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि पता चले कि ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। सो अर्ली डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। इन नॉन इन्वेजिव कैंसर सर्वाइवल इज़ क्लोज टू 100%, ठीक है जी। जो नॉन इन्वेजिव है, टिश्यू के अंदर नहीं है, तो उसमें 100% सर्वाइवल चांसेस है। अच्छा जी, सो जनरली आप इंस्पेक्ट करते हो, सो स्किन चेंजेस आप इंस्पेक्ट करते हो कि रैशेज वगैरह, जैसे यहाँ पर आपको रैशेज नज़र आते हैं, रेडनेस, सुर्ख एरिथमा, विजिबल बम्प्स, ठीक है जी। जो बम्प्स होते हैं इस तरह बड़े बड़े दाने वगैरह, वो ब्रेस्ट पे है कि नहीं। एंड निपल क्रस्टिंग, जो क्रैक होता है निपल्स में, एंड सिमेट्री आप देखते हो कि दोनों ब्रेस्ट के निपल एक जैसे है कि नहीं है। अच्छा जी, असेसिंग ब्रेस्ट एंड एक्सेल, अब डायग्राम आपके जहन में है तो यहाँ से हम जनरल थ्योरी से मैं आपको समझाऊंगा कि इंस्पेक्ट द ब्रेस्ट फॉर साइज, साइज आप देखेंगे ब्रेस्ट का, सिमेट्री दोनों एक जैसा है कि नहीं, शेप दोनों का शेप एक जैसा है कि नहीं, वाइल द क्लाइंट इज इन अ सिटिंग पोजिशन, जब पेशेंट सिटिंग पोजिशन में होता है। नॉर्मल फाइंडिंग फीमेल में राउंडेड शेप, स्लाइटली अनइक्वल इन साइज, स्लाइटली यानी थोड़ा सा फर्क इसमें होता है लेकिन ज़्यादा नहीं, एंड जनरली सिमेट्रिक होते हैं। मेल में ब्रेस्ट इवन विद द चेस्ट वाल, ठीक है, चेस्ट वाल के साथ इवन होता है, क्योंकि मेल में इतना ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता। इफ ओबीज मे बी सिमिलर इन शेप टू फीमेल ब्रेस्ट, इसको फिर गायनेकोमास्या कहते हैं। जब मेल में फीमेल जैसा ब्रेस्ट हो तो इसको गायनेकोमास्या कहते हैं, और फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, और इसके और भी बहुत वजूहत होते हैं। डिविएशन फ्राम नॉर्मल यू के रिसेंट चेंज इन ब्रेस्ट साइज, स्वेलिंग एंड मार्क एसेमेट्री, अगर ब्रेस्ट साइज़ में चेंज आया है, स्वेलिंग हो गया है, एसेमेट्री यानी एक ब्रेस्ट बड़ी है एक छोटी है, सो ये फिर एबनॉर्मल फाइंडिंग है, डिविएशन है नॉर्मल से। अच्छा जी, इसके बाद असेसमेंट जब हम करते हैं, सो इंस्पेक्ट द स्किन फॉर लोकलाइज हाइपर पिगमेंटेशन, यानी स्किन को हम इंस्पेक्ट जब करते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं है, रैशेज वगैरह, रिट्रैक्शन और
डिम्पल्स वगैरह तो नहीं है पेन। एंडोकलाइज हाइपर वेस्कुलर एरियाज़ यानी बहुत ज़्यादा जो वेन या आर्टरीज, ठीक है जी, बाज़ दफ़ा ब्रेस्ट में वेन नज़र आते हैं, ठीक है जी, लेकिन प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल होते हैं फिर। एंड स्वेलिंग एंड एडिमा ये हम देखते हैं। सो नॉर्मल फाइंडिंग स्किन में ये होता है कि यूनिफॉर्म इन कलर एंड स्किन स्मूथ एंड इंटेक्ट, ठीक है, दोनों ब्रेस्ट सेम एक जैसे होंगे कलर में एंड स्किन जो है स्मूथ होगा एंड इंटेक्ट होगा। नॉर्मल से जब डिविएट होता है सो लोकलाइज डिसलोकेशन डिसकलरेशन और हाइपर पिगमेंटेशन लोकलाइज यानी एक ख़ास हिस्सा जो है इसका कलर चेंज हुआ होगा, ठीक है जी, एंड या इस पे जो कलर जो है बिल्कुल डिसकलरेशन हुआ होगा इसका। रिट्रैक्शन और डिम्पलिंग, ठीक है, इसमें रिट्रैक्शन या डिम्पल इस तरह डिम्पलिंग होंगे। यूनिलेटरल लोकलाइज्ड हाइपर वेस्कुलर एरियाज, यूनिलेटरल यानी बहुत नहीं लेकिन एक जो ब्रिस्ट है इस पे इस तरह के हाइपर वेस्कुलर एरियाज होंगे जहाँ पर वेन वगैरह आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। अपियरिंग एज पिक स्किन और ऑरेंज पील ड्यू टू एग्जेजरेशन ऑफ द पोर्स यानी ऑरेंज जब हम पील करते हैं इसका छिलका निकालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज नज़र आता है, इसी तरह ये नज़र आएगा। सो ये फिर एब नॉर्मल है। अच्छा जी, एम्फेसाइज एनी रिट्रैक्शन बाय हैविंग द क्लाइंट सो रेज द आर्म अबाउ द हिट, आर्म को आप इस तरह अबाउ द हिट ऊपर करते हो, पेशेंट को आप कहते हो कि अपने हाथ ऊपर करो, ठीक है जी, पुश द हैंड टुगेदर विद एल्बो फ्लेक्स्ड एंड प्रेस द हैंड डाउन ऑन द हिप, ठीक है जी, यानी पिछले जो डायग्राम थे तो तीन तरीक़ों से आप रिट्रैक्शन नॉर्मली आप सिमेट्री साइज शेप ये जो कंसिस्टेंसी सारी चीज़ें देख सकते हो। ब्रिज शुड राइज इवनली, वॉच फॉर डिम्पलिंग एंड रिट्रैक्शन, इसमें आप इस इन चीज़ों को देख सकते हो। इसके बाद इंस्पेक्ट द एरियोला यानी जो नेपल के इर्द गिर्द एरियोला है, ठीक है जी, एक नेपल है और ये जो इर्द गिर्द एरिया यानी एरियोला फॉर साइज दोनों ब्रेस्ट के। हमेशा आप बायलेटरल एग्जामिनेशन करेंगे एक टाइम पे कि दोनों एक जैसा है कि नहीं। कलर आप देखेंगे सरफेस करेक्टरिस्टिक कि दोनों का कलर क्या है, डिम्पल या लंप वगैरह तो नहीं है, डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा, एंड एनी मासिस आर लेजन कोई मास या लेजन तो नहीं है। सो नॉर्मली आप राउंडेड आर ओवल बायलेटरली द सेम कलर वेरीज फ्रॉम लाइट पिंक टू डार्क ब्राउन एंड इररेगुलर प्लेसमेंट ऑफ सेबिशियस ग्लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ एरियोला, एरियोला के सर्फेस पे जो सेबिशियस ग्लैंड है वो भी पड़ा हुआ होता है। अब नॉर्मल से जब डिविएट हो सो एनी एसिमेट्री, ठीक है जी, मास आर लेजन ये जो सिमेट्री नहीं ये एसिमेट्री, ठीक है जी, जब एसिमेट्री हो ब्रेस्ट एक जैसे नहीं हो दोनों एक जैसा नहीं हो, मास एक ब्रेस्ट में है, ठीक है जी, या लीजन है तो ये फिर नॉर्मल नहीं है। अच्छा जी, सो असेसिंग ब्रेस्ट एक्सरे में ये फिर इंस्पेक्ट द निपल फॉर साइज शेप पोजीशन कलर डिस्चार्ज एंड लेजेंस। निपल को हम देखते हैं कौन कौन से चीज़ों के लिए कि निपल के साइज इसका शेप फिर पोजीशन कहाँ पे है, बाज़ दफ़ा एबनॉर्मली नीचे भी होते हैं ऊपर भी हो सकते हैं, कलर्स देखते हैं डिस्चार्ज देखते हैं कि यहाँ निपल से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा एंड लेजेंस देखते हैं हम। सो नॉर्मली राउंडेड होते हैं निपल इवर्टेड एंड इक्वल इन साइज, एवर्टेड का मतलब बाहर की तरफ इस तरह निकलते हैं, ठीक है जी, ये एवर्टेड है। इन्वर्टेड जब ये अंदर की तरफ इस तरह जाते हैं, ठीक है जी, ये फिर इन्वर्टेड है। सो सिमिलर इन कलर स्मूथ एंड सॉफ्ट होते हैं बोथ निपल्स पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में पॉइंट होते हैं, नो डिस्चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता निपल से, ठीक है जी, नॉर्मल ब्रेस्ट में एक्सेप्ट फ्रॉम प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीड फीमेल, या तो प्रेग्नेंट फीमेल है तो वहाँ से वाटर डिस्चार्ज होते हैं नॉर्मली, या ब्रेस्ट फीडिंग वाले है यानी फीड कर रहे हैं बच्ची को या बच्चे को तो वहाँ फिर होते हैं डिस्चार्ज क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल्क बन रहे होते हैं, सुबह पर मिल्क डिस्चार्ज होते हैं फिर। इन्वर्जन ऑफ वन आर बोथ निपल दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम प्यूबर्टी इज़ नॉर्मल, यानी इन्वर्जन हो गया है नॉर्मली मैंने कहा एवर्टेड होते हैं निपल लेकिन बाज़ दफ़ा ये अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है निपल, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रेस्ट है तो ये निपल अंदर की तरफ इस तरह घुसा हुआ होता है, ठीक है। सो ये नॉर्मल होता है प्यूबर्टी के टाइम से अगर है, लेकिन अगर ये अभी अभी हुआ है, ठीक है, तो फिर एब नॉर्मल है। एब नॉर्मलिटी में आप देखेंगे कि एसिमेट्रिकल साइज एंड कलर, बोथ जो निपल है
एक दूसरे से अलग अलग है, कलर भी चेंज है, तो इसका मतलब है कि मसला है यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ डिस्चार्ज क्रस्ट और क्रैक्स, क्रैक आया है, क्रस्ट आया है, डिस्चार्ज है यानी पानी बह रहा है या वाटर या पस निपल से निकलते हैं, तो ये पेर एबनॉर्मल है। रिसेंटली इन्वर्जन ऑफ वन आर बोथ निपल, अभी जो रिसेंटली निपल पहले ठीक थे इवर्टेड थे लेकिन अब इन्वर्जन हुआ है, सो ये एबनॉर्मल है। अच्छा जी, इसके बाद पल्पेट द एक्जिलरी सब क्लेविकुलर एंड सुप्रा क्लेविकुलर निम्फ नोड। ठीक है जी, ये जो सब क्लेविकुलर है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम से मैं, ये फॉर एग्जांपल एक डायग्राम है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो एक्जिलरी है यहाँ पर सब क्लेविकुलर, यहाँ पर क्लेविकल के जो नीचे ये वाला एरिया एंड सुप्रा क्लेविकुलर यहाँ ये वाला एरिया, हम सब जो है इसको हम पल्पेट करते हैं। सो क्लाइंट पोजिशन क्या होता है कि सेट विद आर्म्स एबडक्टेड, आर्म्स जो है वो एबडक्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह बाहर की तरफ, एंड सपोर्टेड ऑन द नर्स फॉर आर्म, अपने हाथ वो नर्स के फोर आर्म पे रखते हैं यानी नर्स के शोल्डर पे रखते हैं, और तब जाके नर्स इसके ब्रेस्ट जो है वो एग्जामिन करते हैं, एक्जिला एग्जामिन करता है जी। यूज द फ्लैट सरफेसेस ऑफ ऑल फिंगर टिप्स टू पल्पेट द फोर एरिया ऑफ एक्जिला, फोर एरिया जो है पोस्टीरियर इन्फीरियर, ठीक है जी, ये सारे जो चार एरियाज है इसको पल्पेट करते हैं जी। लेकिन अच्छा जी, इसके बाद पल्पेट द ब्रेस्ट फॉर मासिस, फिर ओवरऑल ब्रेस्ट जो है मासिस के लिए टेंडरनेस, कि जब आप हाथ रखते हो दर्द करता है ब्रेस्ट, एंड एनी डिस्चार्ज फ्राम द नेपल या नेपल से डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा, इसके लिए आप असेस करते हो। क्लाइंट पोजिशन सुपाइन, रेशनल ये कि द ब्रेस्ट फ्लैट एंड इवनली अगेंस्ट चेस्ट वॉल फैसिलिटेटिंग पल्पेशन। अब पल्पेशन जब आप करते हो तो पेशेंट जब सुपाइन पोजिशन में होता है तो ब्रेस्ट जो है वो फ्लैटन होते हैं, तो पल्पेट आसानी के साथ होते हैं जी। नॉर्मल फाइंडिंग, नो टेंडरनेस मासिस नॉट यूल्स आर निपल डिस्चार्ज, नॉर्मल में टेंडरनेस भी नहीं होता यानी दर्द नहीं होता है जब आप पल्पेट करते हो, मासिस भी नहीं होते, नॉड्यूल्स या निपल डिस्चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं होते, ये सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन नॉर्मल से जो डिविएट होता है यानी टेंडरनेस, जैसे आपने पेशेंट के ब्रेस्ट पे हाथ रख दिया तो पेशेंट कहता है कि भाई दर्द करता है, या मासिस है इसमें या नॉड्यूल्स है, ठीक है, या निपल डिस्चार्ज इससे हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है निपल से, ठीक है जी, सो ये एबनॉर्मल है। इफ़ अ मास वाज डिटेक्टेड रिकॉर्ड द फॉलोइंग डेटा, अगर मास डिटेक्ट होता है तो आप लोकेशन डिस्टेंस फ्राम द निपल इन सेंटीमीटर, यानी फॉर एग्जाम्पल ये निपल है आपको यहाँ, फॉर एग्जाम्पल ये सारा ब्रेस्ट है यहाँ पे, ये फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट है, ये निपल है, तो यहाँ पर आपको मास डिटेक्ट हो गया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये फासला आप करते हो कि कितना दूर है ये, ठीक है जी। सो लोकेशन आप देखते हो, साइज़ देखते हो, शेप देखते हो, कंसिस्टेंसी देखते हो, ठीक है जी, एंड टेंडरनेस आप देखते हो। ये इस तरीक़े से हम पल्पेट करते हैं। जब आप सुपाइन पोजीशन पे होते हैं तो ब्रेस्ट जो है ये फ्लैट होता है, तो इजीली पल्पेट होता है। सो ये एक्जिलरी पल्पेशन यहाँ से शुरू किया है यहाँ तक, एंटीरियर एक्जिलरी भी, पोस्टीरियर भी, ठीक है जी, ये सब क्लेविकुलर एंड सुप्रा क्लेविकुलर, ये सब एरिया जो है, ये एक्जिलरी एरिया ये भी पल्पेट करते हैं, एंड ब्रेस्ट का जो एरिया है इसको भी पल्पेट करते हैं जी। फील फॉर लम्ब्स, लम्ब्स हम देखते हैं, सो रेज द आर्म दोनों, पहले ये वाला साइड फिर दूसरा वाला हाथ, आर्म को ऊपर करें, फील द अपोजिट हैंड एंड फील फॉर अ मार्बल इन अ बैग ऑफ राइस, यानी मार्बल का मतलब है जैसे एक पत्री आती है चावल में फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। सो इसका मतलब है कि नॉर्मली आपका जो ब्रेस्ट है इसमें कुछ नहीं होता लिम्प वगैरह, लेकिन जब आपको इस तरह अजीब सा चीज़ महसूस हो तो इसका मतलब है कि ये कुछ एब नॉर्मल हो रहा है। यूज़ द मिडल ऑफ योर फिंगर, ये वाला जो एरिया है खासकर इस एरिया को आप यूज़ करेंगे, क्योंकि फिंगर टिप्स आर टू सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है फिंगर टिप्स। ऑल ब्रेस्ट आर समवट लम्पी, क्योंकि यहाँ से जब आप करते हो तो ब्रेस्ट आपको बिल्कुल लम्पी नज़र आएंगे, ठीक है जी, ये तो सब लम्प ही लम्प है, तो इसलिए आप इस जो ये जो एरिया है, ठीक है जी, मिडल ऑफ फिंगर, ये मिडल एरिया आप यूज़ करेंगे। पाम इज़ टू सेंसिटिव, पाम भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये वाला एरिया, सो मिडल पोर्शन ऑफ फिंगर इज़ जस्ट राइट, ये जो मिडल पोर्शन है ये वाला एरिया,
ये बिल्कुल सही एरिया है, ठीक है जी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, ठीक है जी, इसी को आप यूज़ करेंगे पल्पेशन के लिए। अब जब आप पल्पेशन करते हैं, सो मूव योर फिंगर योर हैंड इन स्मॉल सर्कल, स्टे इन वन प्लेस, प्रेस इन वाइल सर्कुलेटिंग विद योर हैंड एंड फील फॉर थिकनिंग द साइज ऑफ द लम्ब। आप जब यहाँ पर अपना हाथ रखते हो तो फिर इस तरह आप क्लॉकवाइज जाते हो, हाथ को उठाते फिर नहीं हो, ठीक है जी। तो इस तरह आप आते हो इसके इर्द गिर्द, ये सारा ब्रेस्ट आप इस तरह पल्पेट करते हैं, इसको लम्ब देखते हो, इसमें थिकनेस तो नहीं हुआ है, इसको भी आप देखते हो जी। अच्छा जी, आर्म पिट जो है यानी एक्जिलरी, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि लिम्फ नोड वगैरह यहाँ पे होते हैं, सो यूज़ द सेम सर्कुलर मोशन। यहाँ पर भी इसी तरीके से आप सर्कुलर मोशन, हाथ को आप उठाएंगे नहीं स्कैन से, बल्कि इस तरह जो है सर्कुलर मोशन में आप ये भी करेंगे। सो फील फॉर ब्रेस्ट लम्प एंड लिम्फ नोड, यहाँ पर ब्रेस्ट लम्प या लिम्फ नोड तो नहीं है। नॉर्मल लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी फिल्ड, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल लिम्फ नोड्स है वो आसानी के साथ फिल्ड नहीं होगा। इन लार्ज लिम्फ नोड्स आर अबाउट द साइज ऑफ पेंसिल इरेजर, यानी पेंसिल इरेजर जो होता है जो रबर होता है, एंड बट लॉन्गर एंड थिनर, यानी लॉन्गर होते हैं एंड थिन होते हैं, इस तरह जी। सो इस तरह आप एक्सिलरी का पल्पेशन करते हैं जी। निपल डिस्चार्ज, आप इस तरह देखते हो कि स्ट्रिप द डक्ट टुवर्ड द निपल, ठीक है जी। जो डक्ट है यहाँ पर आप इसको स्ट्रेच करते हो निपल की तरफ, नॉर्मली वन और टू ड्रॉप ऑफ क्लियर मिल्की और ग्रीन टिंक्ड सिक्रीशन। सो नॉर्मली जब आप इसको पिंच करते हैं इस तरह, तो यहाँ से मिल्की या ग्रीन सिक्रीशन निकलते हैं, लेकिन शुड नॉट बी ब्लडी आर इन लार्ज क्वान्टिटी, इसमें ब्लड भी नहीं आना चाहिए और ये लार्ज क्वान्टिटी में भी नहीं होने चाहिए। स्क्वर्टिंग आउट आर स्टेनिंग द इन साइड ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है जी। जब वो स्क्वर्ट आउट होते हैं यानी बाहर निकलते हैं, ठीक है जी, इन साइड ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है जी। सो ये कम साइज़ में होना चाहिए यानी कम मेदार में होना चाहिए क्वांटिटी, एंड ब्लड ही नहीं होना चाहिए, इसमें ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर ब्लड है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पर मसला है। अच्छा जी, फॉर क्लाइंट हु हैव अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट मासिस, हु आर एट हाई रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर, एग्जामिनेशन इन बोथ अ सुपाइन एंड सेटिंग पोजिशन इज रिकमेंडेड। अगर पास्ट हिस्ट्री है तो हम दोनों सुपाइन एंड सेटिंग पोजिशन दोनों में हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम साइज देखते हैं कि लेंथ वेट एंड थिकनेस ऑफ द मास इन सेंटीमीटर, फिर शेप देखते हैं कि राउंड ओवल लबुलेटेड यानी लबियोल है, इनडिस्टिंक्ट है आर इररेगुलर है, कंसिस्टेंसी हम देखते हैं कि हार्ड है कि सॉफ्ट है मास। अच्छा जी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम में हम टीचिंग पोजीशंस जो है यानी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, पेशेंट को हम बताते हैं कि आप अपने घर जब जाते हो तो अपना ब्रेस्ट आप खुद जब असेस करते हो या करते हो, सो आप एक मिरर के आगे खड़ी हो जाए, इन द शावर सूप एंड वाटर असिस्ट पल्पेशन, ठीक है जी। जो सूप है वाटर है पानी, इससे पल्पेशन में आसानी होती है। सुपाइन पोजीशन जो है इसमें भी अपने ब्रेस्ट को आप एग्जामिन कर सकती है, एंड कीप टीचिंग सिंपल 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 अल्फाजों में आप अपने पेशेंट को समझाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेट टू पेशेंट एंड यूज़ रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है जी। पेशेंट को आप बताओ कि किस तरह करेंगे और फिर आप पेशेंट से पूछो कि अब आप करो, मैंने आपको किस तरह समझाया, आप इसको आप थोड़ा कर लो, ताकि आपको पता चले कि पेशेंट के समझ में आया है कि नहीं जी। अच्छा जी, फिर आते हैं मेल ब्रेस्ट पे। अब मेल ब्रेस्ट का असेसमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर असेसमेंट ब्रेस्ट का जो है फीमेल का ही होता है, लेकिन इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि जो मेल ब्रेस्ट है इसको इग्नोर किया जाएगा। सो एग्जामिनेशन ऑफ मेल ब्रेस्ट कैन बी ब्रीफ एंड शुड नेवर बी ओमेटेड, इसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि मेल में भी सम टाइम होते हैं ब्रेस्ट के मसाइल, अगरचि फीमेल के साथ अगर कंपेयर करें कम होते हैं, लेकिन होते हैं। ऑब्जर्व सिंपल ऑब्जर्व निपल एंड एरियोला फॉर अल्सरेशन, इसमें तो सिंपल निपल जो है और इसके अगर जो एरियोला है इसको हम देखते हैं कि अल्सर वगैरह तो नहीं है, नाड्यूल्स वगैरह तो नहीं, एंड स्वेलिंग आर डिस्चार्ज तो नहीं होता यहाँ से, जैसे कि फीमेल में हमने असिस किया। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रेज बोथ आर्म्स, आपने दोनों हाथों को उठाए, एक्सपोजिंग द स्किन ऑफ द एक्जिला, एक्जिला जो स्किन है इसको एक्सपोज करें, केयरफुल इंस्पेक्ट द एक्जिला फॉर रैशेज, साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड अनयूजल पिगमेंटेशन, यानी कलर्स आप देखें इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है यहाँ पे। पल्पेट द एरियोला फॉर नाड्यूल्स आर टेंडरनेस, जो एरियोला है इसको हम उंगलियों के साथ पलपेट करते हैं, ठीक है जी, कि यहाँ पर टेंडरनेस वगैरह इस तरह की चीज़ें तो
नहीं है जी। अच्छा जी, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते हैं फीमेल खासकर, ठीक है जी, सब्जेक्ट टू डेटा में हम ये कहते हैं कि डिनाई ब्रेस्ट पेन, पेशेंट जो है डिनाई करता है कि नहीं मुझे पेन भी नहीं है, लंप भी नहीं है, डिस्चार्ज भी नहीं है, रैश वगैरह, स्वेलिंग, ट्रामा। बहरहाल सब्जेक्टिव डेटा, ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट आपको कौन सा रिस्पांस देता है। ये तो एक एग्जांपल है। डिनाइज पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट डिजीज़ और सर्जरी, डिनाई करता है कि नहीं हमारे घर में भी मसला नहीं है, इससे पहले भी मसला नहीं था मुझे। स्टेट परफॉर्म्स मंथली ब्रेस्ट एग्जाम, कहती है कि बस मैं तो मंथली ब्रेस्ट एग्जाम करती हूँ, ठीक है जी। एंड ऑब्जेक्टिव में हम इंस्पेक्शन फिर करते हैं, खुद देखते हैं ब्रेस्ट सेमिट्री, देखते हैं कि ये एक दूसरे, ये जो दोनों ब्रेस्ट है ये साइज में सेम है कि नहीं, शेप ठीक है जी, कंसिस्टेंसी और टेंडरनेस वगैरह ये सब चीज़ें हम देखते हैं। स्किन स्मूथ विद इवन कलर, ठीक है जी, स्किन जो है स्मूथ है एंड एक जैसा कलर है दोनों का। नो डिम्पलिंग और रिट्रैक्शन एलिसिटेड, एलिसिटेड का मतलब प्रोड्यूस, ठीक है जी, डिम्पल भी नहीं है, रिट्रैक्शन ठीक है जी ये नहीं है। नो डिम्पल निपल डिस्चार्ज, निपल से डिस्चार्ज भी नहीं है। ये आप डॉक्यूमेंट करते हो लास्ट में। नो लिजन, लिजन भी हमने फाउंड नहीं किया। नो नाडियोल, नो लम्प फाउंड, नाडियोल भी नहीं है एंड लम्प वगैरह कुछ भी नहीं है जब हमने पेशेंट को असेस किया जी। इसके बाद जो है हेल्दी ब्रेस्ट, अब देखते हैं कि हेल्दी ब्रेस्ट बायलेटरली विद नो साइन एंड सिम्टम ऑफ एबनॉर्मेलिटीज। फाइनली हम डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं कि असेसमेंट से हमने ये इवालुएट किया कि जो हेल्दी ब्रेस्ट है बायलेटरली, दोनों जो ब्रेस्ट है विद नो साइन एंड सिम्टम ऑफ एबनॉर्मेलिटी, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, न डिस्चार्ज है, न इसमें टेंडरनेस है, न शेप में डिफरेंस है, न साइज में डिफरेंस है, ठीक है जी, न कलर में डिफरेंस है स्किन के। री इन्फोर्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सो पेशेंट परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली। आप री इन्फोर्स करते हो, अवेयरनेस आप पिलाते हो कि भई अपना जो ब्रेस्ट है मंथली एक बार ज़रूर जो है एग्जामिनेशन कर लिया करो, असेसमेंट करवा लिया करो अपने ब्रेस्ट का जी। एंड समरी में बस फार्म आखिरकार ये है कि असेसिंग द ब्रेस्ट इंक्लूड टेक इन टू अकाउंट डेवलपमेंटल लेवल और रिमेंबरिंग टू असेस बोथ मेल एंड फीमेल, मेल को इग्नोर बिल्कुल नहीं करते, ठीक है जी, इसको भी हम करेंगे। इंस्पेक्ट एंड पल्पेट ब्रेस्ट, निपल्स, लिम्फ नोड एंड एक्जिलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट एंड एक्जिलरी एग्जामिनेशन में। एंड फाइनली पेशेंट को हम टीच करते हो कि भाई ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप किस तरह करेंगे जी। सो दिस वॉज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर।